स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, एमफिल की पढ़ाई का सपना फौरन छोड़ दे। ऐसा करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि देश में अब वैलिड नहीं रही एमफिल की डिग्री। ये हम नहीं कह रहे, यूजीसी का फरमान कह रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये चेतावनी जनहित में जारी की है। ये यूजीसी के सचिव मनीषार जोशी की लेटर है। 26 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस पर गौर करना क्यों जरूरी है और चेतावनी क्या है? यूजीसी की पहली चेतावनी, एमफिल अब वैलिड डिग्री नहीं है, इसकी मान्यता रद्द की जाती है। यूजीसी की दूसरी चेतावनी, नए एकेडमिक सेशन में स्टूडेंट्स एमफिल कोर्स में दाखिला ना लें। यूजीसी की तीसरी चेतावनी, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एमफिल को पाठ्यक्रम से बाहर करेंगे। यूजीसी के लेटर में साफ साफ लिखा है कि ये पाया गया है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल पढ़ाई के लिए आवेदन ले रहे हैं और छात्रों को कोर्स करने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। आयोग एमफिल के पाठ्यक्रम को बाहर कर रहा है, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यूजीसी को ऐसा करने की नौबत आखिर क्यों आई और इसका पहले से एमफिल की डिग्री लेकर बैठे छात्रों पर क्या असर होगा? इन सवालों की पड़ताल करते हम यूपी के बनारस पहुंचे। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है। हर साल यहां से सैकड़ों छात्र एमफिल करते हैं। यूजीसी के आदेश की यहां क्या चर्चा है? गौरव मिश्रा और सुरभि, 4 साल पहले एमफिल की, रात रात भर किताबें पढ़ी, खूब मेहनत की, फर्स्ट क्लास में डिग्री ली। अब जब कुछ हासिल करने की बारी आई तो सिस्टम ने सपनों को बट्टा लगा दिया। अब ये क्या करेंगे, इनकी डिग्री का क्या होगा, यही सोचकर परेशान है। मैं तो सरासर इस सरकार के फैसले को गलत मानता हूँ सर। छात्रों के साथ बड़ा ही सरकार दुर्व्यवहार कर रहा है सर। जिनके पास पैसे की कम मुसीबत है और वो बेचारे एमफिल करके अपना शिक्षा के लिए अप्लाई कर पाते थे, अब उनके लिए क्या है, अब उनको अब पीएचडी करनी पड़ जाएगी। पीएचडी करने के बाद जो हो जाके उनको फिर से शिक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब प्रोफेसर बनने का सपना तभी पूरा होगा जब या तो पीएचडी करेंगे या फिर एनईटी क्लियर करना होगा। ये प्रोफेसर शैलेंद्र और भारती हैं। लंबे समय से दोनों काशी विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इनकी नजर में एमफिल को खत्म करना कितना सही है और कितना गलत? अब चूंकि एमफिल बंद हो गया है, इसलिए अब उनकी जो अपॉइंटमेंट या उनके प्रवेश की प्रक्रिया या उसमें जो उनका एरिया है, क्षेत्र है, वो काफ़ी कम होगा। निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आई है। हालांकि कुछ क्षेत्र बचे हैं जिसमें वो अभी जा सकते हैं, लेकिन वो उनके अवसर कम होते चले गए हैं। पीएचडी करना एक लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, फिर अब यूजीसी कोर्स वक्र आती है, उसमें 1 साल निकल जाता है, फिर वो 3 से 4 साल अपना काम कंप्लीट करता है, फिर अवार्ड होते होते साल लग जाता है, तो मिनिमम 5 साल का टास्क है, तो इसमें छात्र की एक आयु निकल जाती है, तो उसके पास अब अवसर न्यून हो गए हैं। काशी में मैसेज क्लियर है, पढ़ाई जाया नहीं जाने देंगे, जवाब डिग्री देने वालों से ही लेंगे। काशी से करीब 1200 किलोमीटर दूर पंजाब का लुधियाना शहर। यूजीसी के नोटिफिकेशन के बाद यहाँ क्या असर है और क्या यहाँ के छात्र भी आहत हैं? ये जसप्रीत कौर हैं। जब से एमफिल की डिग्री रद्द होने का फरमान आया है तब से बेचैन हैं। कभी अपने बैचमेट्स को फोन मिलाती हैं तो कभी उनसे मैसेज पर अपडेट लेती हैं। 2017-18 में जसप्रीत ने अव्वल नंबरों के साथ एमफिल की डिग्री हासिल की, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी हैं। अब इनकी डिग्री का क्या होगा, यही सोचकर टेंशन में है। बच्चे अभी भी सजेशन पूछते हैं कि मैम हम मास्टर्स के बाद क्या कर सकते हैं, मतलब यूजीसी करनी है तो उसके साथ साथ अगर कुछ पढ़ाई करनी हो, क्योंकि सीधा पीएचडी तो टफ हो जाता है, ठीक है, तो एमफिल के लिए उनके पास ऑप्शन थी, बट अब मुझे लगता है कि वो ऑप्शन भी चली गई है, तो बच्चों को पता नहीं चल रहा और हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हम उन्हें गाइड किस साइड पे करें, मतलब कैसे समझाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अदरवाइज पहले था कि एमफिल हो गई है तो ठीक है, आप पीएचडी के लिए आपको सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। अब हमें वो भी क्लियर नहीं है कि एंट्रेंस देना है या नहीं देना है, क्या करना है। प्रियंका लुधियाना के मॉडल टाउन में रहती है, एमए कर चुकी है, अरमान एमफिल करने का था, लेकिन अब इस दुविधा में है कि भविष्य में क्या करेंगी। एमफिल की तो उन्हें लग रहा है अब कोई जरूरत बची नहीं। अगर आपका एमफिल होता है तो आप फिर आपके पास एक प्लस पॉइंट ये हो जाता था कि आप पीएचडी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है।
तो मुझे लगता है कि जो ये गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, ये जो डिसीजन लिया है कि एमफिल को प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जब मुझे लगा, मुझे मैंने करनी थी उसी साल एमफिल, जब ये बंद हुई है तो बहुत एक सैड पॉइंट था उस टाइम पे कि जो लोग पीएचडी नहीं कर सकते और मेरा खुद का जो नेट है वो क्वालिफाई नहीं हो रहा, मैंने 2-3 अटैम्प्ट दे दिए, तो मुझे बहुत गलत लगा था कि यार कुछ तो होना चाहिए ऐसा जिसको हम आगे कंटिन्यू कर पाए। कहते हैं सपने टूटते हैं तो आवाज नहीं आती। जसप्रीत, गौरव और प्रियंका जैसे न जाने कितने स्टूडेंट्स होंगे जो एमफिल की डिग्री लेकर बैठे हैं, लेकिन सिस्टम की ये चिट्ठी अब इस कोर्स को रद्दी बता रही है। उनका क्या कसूर जो पढ़े लिखे, डिग्री ली और नौकरी की उम्मीद की, वो उम्मीद जिसे अब सिस्टम ने नकारा कर दिया।